भारी समर्थन से प्रियंका मिश्रा जीतने वाली है। कांग्रेस के साथ में है, करी थी कि बीजेपी को दे दिया। बरेला गांव है, चाहे कोई फिजा हो, रोड्स नहीं है कि हम जल की समस्या को सबसे पहले इसका समाधान करें। नमस्कार, आदाब, आइए मिलते हैं वार्ड क्रमांक 7 की कर्मठ युवा प्रत्याशी कांग्रेस की श्रीमती प्रियंका अनिल मिश्रा से। वार्ड क्रमांक 7 में भारी जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, कई समस्याओं को लेकर वे घर घर जा रही हैं। लोगों ने जिस तरीके से बताया है कि विगत 2-3 साल से पार्षद नहीं थे, उसकी वजह से वार्ड क्रमांक 7 में समस्याओं का अंबार लग गया है। आइए मैं उनसे पूछता हूँ। मैडम, आपने वार्ड क्रमांक 7 में जो भी आपको जनसंपर्क कर रही है, कैसा लग रहा है? देखिए, जनसंपर्क के दौरान मुझे बहुत प्यार, स्नेह और दुआएं मिल रही हैं, और मैं आशा करती हूँ कि 6 तारीख को भी सभी मुझे इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद देंगे। आपने देखा कि प्रियंका अनिल मिश्रा श्री कैलाश मिश्रा जी की पुत्रवधू हैं, आप एक शिक्षित और सभ्य परिवार से हैं। इस बार वार्ड क्रमांक 7 की तस्वीर बदलने जा रही है। आइए, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, मैं उनके पति अनिल मिश्रा से ही पूछता हूँ। सर, वार्ड क्रमांक 7 में इस बार कैसा देखते हैं सर? पिछले बार के निष्क्रिय पार्षद मनोज राठौर जी द्वारा कोई विकास कार्य नहीं किया गया, चाहे बरेला गांव हो, चाहे टीवी हॉस्पिटल हो, सेफिया कॉलेज की रोड हो, महापौर उनका पार्षद उनके कुछ नहीं किया, लोगों की इतनी शिकायतें हैं। वार्ड नंबर अब 8 हो गया, जब हमारे पिताजी पार्षद रहे, इतने अनेकों कार्य उन्होंने कराए, उसका लोग आज भी वार्ड नंबर 8 को एक अच्छा वार्ड मान के ये चाह रहे हैं कि प्रियंका चुनाव जीतें। और जैसा विकास कार्य की गंगा, जब हमारे पिताजी रहे वहाँ पार्षद अध्यक्ष रहे, पूरे भोपाल में कार हुए, उसी तरीके से वार्ड नंबर 7 में कार हों, हम मुझे पूर्ण विश्वास और आशा है कि आदरणीय सुनील सूद जी के नेतृत्व में, पचौरी भाई साहब के नेतृत्व में, आरिफ मसूद जी हमारे विधायक आरिफ अकील साहब के नेतृत्व में हम प्रचंड जीतेंगे। यहाँ से हमारी विवा पटेल महापौर जी बनेंगी, और इसके बाद आज के वार्ड नंबर 7 और अगले 5 साल आप वार्ड नंबर 7 में जमीन आसमान का अंतर पाएंगे। प्रियंका अनिल मिश्रा एक सभ्य परिवार से हैं, वे निर्धन बच्चों को भी विगत कई समय से पढ़ा रही हैं। मैडम, इस बार पिछले विधायक भी रहे, पार्षद भी रहे, जो भी रहे, फिर भी वार्ड में इतनी समस्याएं क्यों देखी जा रही हैं? देखिए, ये तो निष्क्रियता है, यही कहेंगे, क्योंकि जब पार्षद आपका था, महापौर आपके, विधायक भी इस क्षेत्र से नहीं पर काफ़ी जगह विधानसभा में आप जीते, तो जो विकास की गंगा आप कहते हैं कि हम बहाएंगे, तो उस तरीके से काम क्यों नहीं हुए कि लोगों को आज भी जो बेसिक नीड्स हैं, बहुत बहुत बड़ी बातें तो नहीं, पर आप जाके देखिए 7 नंबर वार्ड में, स्पेशली बरेला गांव है, चाहे कोई फिजा हो, रोड्स नहीं हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है। जो लोगों की ये भी शिकायतें हैं कि हम बहुत बार फ़ोन करते हैं पर नगर निगम से कोई आता नहीं है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मेरा प्रयास रहेगा कि एटलीस्ट लोगों को, वहाँ के सिटीज़न को जो बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, वो तो वहाँ पे मुहैया कराई जाए। भोपाल के अंदर और ख़ासकर 7 वार्ड क्रमांक 7 में पानी की समस्या काफ़ी देखी गई है, कैसा देखती हैं? जी, जैसे कल जनसंपर्क के दौरान मुझे काफ़ी लोगों ने बताया था कि पानी रेगुलर सप्लाई नहीं है, कई बार एक दिन या दो दिन छोड़ के मिलता है, और हम सब जानते हैं कि वाटर इज़ वेरी एसेंशियल, कि हमें पानी चाहिए, सारे ज़रूरत पूरी जो कामों की होती है वो पानी से ही पूरी होती है। परंतु हम कोशिश करेंगे कि ये समस्या भविष्य में ना हो, तो अगर हम लोग जीत के आते हैं, हमारे जैसे महापौर जी का भी उद्देश्य है कि हम जल की समस्या को सबसे पहले इसका समाधान करेंगे, ताकि लोगों को पानी का जो सप्लाई होना चाहिए वो रेगुलर मिले। और जैसे कि महापौर जी ने कहा है, तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम ये सारी समस्याएं प्राथमिक रूप से पूरी करें, क्योंकि ये समस्या सिर्फ वार्ड 7 की नहीं, पूरे भोपाल की है।
आपने देखा ये थी प्रियंका मिश्रा। इस बार जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्री कैलाश मिश्रा जी ने पूरे भोपाल शहर की काया बदली थी, कितने विकास उन्होंने किए थे। और इस बार वार्ड क्रमांक 7 के सभ्य लोग ऐसे ही एक अपने अच्छे सुख दुख के साथी की तलाश में हैं। इस बार वार्ड क्रमांक 7 से कांग्रेस की प्रत्याशी प्रियंका मिश्रा मैदान में, कैसा देखते हैं? बहुत बढ़िया देखते हैं। प्रियंका मिश्रा के रूप के अंदर बहुत शिक्षित, कॉन्वेंट एजुकेटेड और नूतन कॉलेज से पढ़ी हुई, एमएड करी हुई है ये, और शानदार कैंडिडेट दिया है पढ़ा लिखा, क्योंकि हमारा वार्ड पढ़ा लिखा है। कोई फिदा भोपाल के सारे बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे लोग और व्यापारी वर्ग बड़े यहाँ पर रहते हैं। बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं इस बार, और हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि आप बिल्कुल जीतेंगे यहाँ पर और अच्छा कार्य करेंगे। सर इस बार कैसा देखते हैं? सर हमारे मेजर साहब सूर साहब के शुरू से काम कर रहा हूँ। जब सुनील भाई पार्षद थे, अध्यक्ष बने, महापौर बने, और उनके द्वारा से अभी तक काम कर, अब इनके लिए काम करूंगा साहब, जीता के लाऊंगा इनको। ये चैलेंज जज्जू भाई का है। विकास की गंगा अगर बहाना है तो प्रियंका मिश्रा को वार्ड 7 से लाना बहुत ज़रूरी है। भोपाल शहर में जिस राजनीतिक पृष्ठभूमि की प्रियंका मिश्रा है, उनके ससुर साहब, उनके पापा, माने भोपाल शहर में ये जाना माना नाम है। वार्ड नंबर 7 में कैलाश मिश्रा जी ने जो काम किया था, माने पूरे भोपाल में उनको विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, सिर्फ कैलाश मिश्रा। आज उनकी पुत्र वधु वार्ड नंबर 7 से कोई फिजा के लिए कुछ करना चाहती हैं, इसलिए उनके लिए पूरी जनता का अपार इतना उमंग है कि कहने की ज़रूरत नहीं है। भारी समर्थन से प्रियंका मिश्रा जीतने वाली है। कांग्रेस के साथ में है और पूरा समर्थन, पूरा हमारे कोई फिजा, लाल घाटी, गोत और बरेला गांव, एनआरआई कॉलोनी और 40 क्वार्टर, 12 क्वार्टर, सब तरफ से हाथ का पंजा, नेवरी, मतलब ये समझ लीजिए कि आप पूछिए मत कि कहां से पंजे का बटन नहीं दबेगा, हर जगह से पंजे का बटन दबेगा। और हर एक इंसान जो है नया चेहरा चाहता है यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है कि नया चेहरा है, पढ़ी लिखी हैं और कोई फिजा की हैं और ख़ानदानी लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षित हैं और टीचर भी हैं और बीएड किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है और कॉन्वेंट स्कूल सेंट जोसफ कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हैं। इससे अच्छा हम और क्या चाहते हैं हमारे नेता को? नेता हमारा भविष्य में ऐसा ही होना चाहिए। मैं शावर जमा के नाम से जाना जाता हूं कोई फिजा के अंदर। अब ऐसा है, कांग्रेस के प्रत्याशी जो मैदान में हैं, मंझे हुए हैं, मिश्रा जी की बहू हैं, और इस बार 5 साल में जो काम नहीं हुए, कोई फिजा बहुत पेंडिंग रहा है, पिछड़ चुका है। 5 साल में एक गलती करी थी कि बीजेपी को दे दिया था ये वार्ड, एक आदर्श वार्ड कहलाता था, वो मिट गया 5 साल। इस साल एकता दिखानी है और हमको वापस जो है मिश्रा जी की बहू को ला के जिताना है और वार्ड का काम करवाना है, क्योंकि मेन जो है कोई फिजा का वार्ड को वापस अपने स्थान पे लेके आना है जो बरसों से नाम था। यही हमारा संकल्प है। इसके अंदर सारे समाज के लोग और सारे कोई फिजा एक भोपाल की ऐसी मोहल्ला है जिसके अंदर गंगा जमनी आपको महसूस होगी। कोरोना काल के अंदर पूरे कोई फिजा के अंदर लोगों ने सब इकट्ठे होकर खुद काम किया था और लोगों को घरों घर बांटा था। यही मिसाल हम पूरे भोपाल में देना चाहेंगे, यही हमारा था। तो इस बार पंजे का बटन दबता हुआ नजर आ रहा है, घर घर आशीर्वाद और जगह जगह जनसंपर्क में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वार्ड क्रमांक 7 की कर्मठ युवा प्रत्याशी प्रियंका मिश्रा इस बार जीती हुई नजर आ रही हैं। मैं आसिफ खान, गणित न्यूज़ से, राजधानी भोपाल।